उत्तरवाहिनी गंगा में पित्त तर्पण को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही गंगा घाटों पर लोगों की कतार लगी हुई है। लोग अपने पूर्वजों को पूरी विधि विधान के साथ तर्पण कर रहे हैं, आज अंतिम दिन विदाई दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर जल देने से माता पिता सहित पूर्वज खुश रहते हैं और अपने कुल के वंशज को आशीर्वाद देते हैं। पुरोहित ने बताया कि सुबह के 4 बजे से ही भीड़ उमड़ी हुई है। शहर के मुक्तेश्वर गंगा घाट पर लगभग 10 ब्राह्मण हैं। सभी लोग पूरी विधि विधान के साथ तर्पण करा रहे हैं। तर्पण करने से पितृदोष नहीं लगता है, पूर्वज की आत्मा की शांति मिलती है, उसके अनुरूप कुल के लोगों को आशीर्वाद मिलता है। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है। आज के बाद हर शुभ काम शुरू हो जाता है। कल से तर्पण करने के बाद कुछ भी प्राप्त नहीं मिलता होता है। आज महाल्या तिथि है और महाल्या तिथि को जिनके पिता नहीं रहते हैं अपने पितरों को जल दिया जाता है और आज ही उनका विसर्जन होता है। इसलिए सभी लोग लगभग जिनके पिता नहीं है, जिनको अपना तिथि मालूम नहीं है, आज के दिन जल दे करके और तब दुर्गा जी का पूजा किया जाता है। महाल्या इसका शब्द होता है। दुर्गा जी के आगमन का पहला दिन को महाल्या कहा जाता है। आज महाल्या है, कल से दुर्गा पूजा होगा, इसीलिए यह तिथि बड़ा पूज्य है। आज के दिन सबको जल दिया जाता है। पितरों जल देने के बाद कुत्ता कौआ और गाय को भोजन कराया जाता है, उनका अंश दिया जाता है, ब्राह्मणों को कुछ दान दिया जाता है, अपने श्रद्धा दान और आज से ही पूजा पाठ करने का अधिकारी हो जाता है आदमी। आज से पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। आज के दिन ही सारे पितृ अपने स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। आज के बाद कल जाने से कुछ फायदा नहीं है। पितृ अमावस्या के दिन जो जल दिया जाता है उसी दिन तक ग्रहण करते हैं, इसके बाद अपने स्थान को चले जाते हैं।